वेलकम टू गो क्रेजी प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ आशुतोष नामदेव। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इस पूरे चैप्टर में हम लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की थ्री इंपॉर्टेंस चीज आप लोग अंडरस्टैंड करिए। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटिव, ये पूरी तरीके से एक ही जगह पे कन्फाइंड है, हर एक चीज एक दूसरे से लिंक्ड है हमारी ज्योग्राफी में। सेकेंड वर्ड इज एम्पेरिकल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक चीज पूरी तरीके से डिफाइन होने के साथ साथ उसमें अगर आप प्रैक्टिकल अप्लाई करते हो तो वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकेबल भी देखने को मिलती है। मतलब अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन आप देख रहे हो तो वो आपको आसानी से वहां पे एहसास भी होता है कि हाँ ऐसा कुछ चीज यहाँ पे है। ठीक है, पहाड़ चढ़ रहे हो तो ग्रेविटी फील कर पा रहे हो, मतलब आप वो चीज देख रहे हो प्रैक्टिकल के थ्रू, उस चीज को अनुभव कर रहे हो। अब बहुत सारे स्कॉलर्स आए ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए, तो कई बहुत सारे डिबेट्स भी देखने को मिले ज्योग्राफी में, जैसे कि ज्योग्राफी में लॉ मेकिंग थ्योरराइजेशन देखने को मिला कि थ्योरीज को बहुत ज्यादा प्रमोट दिया, इसको बोलते हैं नोमोथेटिक, यानी थ्योरीज पे बहुत ज्यादा बल देना चालू कर दिया। और सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव, हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन कि किस तरीके से कौन सी चीज पॉसिबल हुई है, और धीरे धीरे जाके इवोल्यूशन देखने को मिला। एक यहाँ पे टर्म आता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसमें आप ध्यान से समझिए कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी जब ह्यूमंस एज अ हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, उस टाइम पे हम लोग एनवायरमेंट से कितना ज्यादा जुड़े हुए थे, हम एनवायरमेंट को वर्शिप करते थे, इसलिए क्योंकि एनवायरमेंट ही हमें सब कुछ दे रहा है। अगर रेन ज्यादा हो रही है तो हम एनवायरमेंट की पूजा कर रहे हैं कि एनवायरमेंट हमको रेन प्रोवाइड करा दे, सन की हम वर्शिप कर रहे हैं कि सन हमें अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ह्यूमन का एनवायरमेंट से काफी ज्यादा रिलेशन देखने को मिला इन द थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इसमें नेचर को वर्शिप काफी ज्यादा देखने को मिला। ठीक है, अब धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ काफी ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिला, और जब जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तब तब हमारी नेचर के ऊपर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इमेजिन करिए पहले के टाइम पे अगर आपको पानी चाहिए तो पहले आप किसी रिवर को खोजते थे, तो एनवायरमेंट पे डिपेंडेंसी क्या थी आपकी, बहुत ज्यादा देखने को मिली। ठीक है, लेकिन आज आपके यहाँ पे पाइपलाइन आसानी से पहुंच जा रही है, तो आपको एक फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइज ड्रिंकिंग वाटर आपके घर पे अवेलेबल है, यानी एनवायरमेंट पे डिपेंडेंसी क्या हुई, कम हुई। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम पे हम मूव करना चालू हो गए, और यहीं से पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट आया और नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड। मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचुरलाइजेशन एक वर्ड को समझिए, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का मतलब क्या है कि किस तरीके से इंसान सोसाइटी के प्रति अपने कॉन्शियस को दिखाता है, अपने बिहेवियर को डिटरमाइन करता है, वैसे ही नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक ह्यूमन नेचर के प्रति किस तरीके से अपने आप को ढालता है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम नेचर की वर्शिप करते हैं, हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम नेचर को एकोमोडेट कर पाए, नेचर के हिसाब से चलने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेचर ने हमें ही बनाया है, या यूं कहो नेचर ने हमारे आइडियाज को बनाया, हमारे थॉट प्रोसेस को बनाया है। कि रात में हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि नेचर ने ही दिखाया है कि रात में अगर आप मूव कर रहे हो तो हो सकता है कि कोई एनिमल आपको किल कर दे, तो आपके अंदर एक फियर रात के प्रति या अंधेरे के प्रति डेवलप होना चालू हो गया। सेकेंड वर्ड आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब क्या है कि किस तरीके से, मतलब ह्यूमन नेचर को अपने हिसाब से ढालते जा रहे हैं। जैसे इमेजिन करिए आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले डैम्स उतने ज्यादा बिल्ड नहीं थे, ठीक है, या रिसोर्ट वगैरह देखने को नहीं मिले, तो इसके कारण क्या हुआ कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मतलब नेचर में ह्यूमन का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा कम था। अब टाइम के साथ टेक्नोलॉजीज के साथ आप देख सकते हो कि नेचर को ह्यूमन ने अपने हिसाब से बना लिया। पहले एरिड सॉइल पे उतनी अच्छी एग्रीकल्चर नहीं हो पाता था, लेकिन आज पॉसिबल है। ठीक है, आप देख सकते हो कि प्लेट्यूज पे काफी ज्यादा हार्ड होता था इरिगेशन, लेकिन आज आप ट्रैक्टर या बहुत सारे इक्विपमेंट के थ्रू आप एग्रीकल्चर करने में पॉसिबल कर पाए हो। पहले अगर आप देखें दुबई का, आपने नाम सुना होगा, पूरी तरीके से एक एरिड रीजन था, लेकिन उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तरीके से एडवांस कर ली कि आज वहां पे हर एक पॉसिबल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। दिस इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत अच्छे कंसेप्ट की जो ग्रिफिथ टेलर ने हमको दिया था। ये मध्यम मार्ग टाइप का ऐसा कुछ कंसेप्ट इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि एक बीच का रास्ता है, ना कि हम पूरी तरीके से न्यू डिटर्मिनिज्म
इन्होंने एक बीच का मार्क दिया दैट वाज न्यू डिटरमिनिज्म, जिसमें स्टॉप एंड गो के प्रिंसिपल के बारे में बात की। स्टॉप एंड गो मतलब इन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप जिस तरीके से प्रमोट करोगे उस तरीके से ज्योग्राफी आपको, या फिर यूं कहो एनवायरमेंट आपकी तरफ उतना ज्यादा रिलायबल रहेगा, उतना आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कोल, अगर कोल को आप एक्सेसिव लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन कर दें तो क्या कोल रिजर्व उतना ज्यादा बचेगा? बिल्कुल नहीं। तो स्टॉप एंड गो का इन्होंने प्रिंसिपल दिया था। तो अब हम एक एक करके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ। फिजिकल एनवायरमेंट के साथ ह्यूमन बीइंग किस तरीके से इंटरैक्ट करता है? इमेजिन करिए कि आपको आज एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आप क्या यूज करेंगे? बाइक या साइकिल वगैरह का यूज करेंगे। तो किस चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं? टेक्नोलॉजीज को। जैसे आपको अगर वाटर वे पे मूव करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आप थोड़े से दिमाग को यूज करके आप बोट वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू। न्यू डिटर्मिनिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब भी हमने बताया था न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट, जिसमें स्टॉप एंड गो के बारे में बताया था। ये किसने बताया था? ये बताया था ग्रिफिथ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट में मार्क्सियन के थॉट को काफी ज्यादा प्रमोट किया गया था, जिसमें उसने कैपिटलिज्म को अपोज करते हुए वर्कर्स की तरफ बहुत अच्छा अट्रैक्शन दिया। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वर्कर्स ऑफ द होल वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चीज। मार्क्सिज्म का सबसे अच्छा कंसेप्ट कि अगर पूरे वर्कर्स यूनाइट हो जाए ना तो कैपिटलिज्म कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड। यहाँ पे आप चार ऑप्शन देख सकते हैं कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट किस चीज के बारे में बात करता है। तो बिहेवियरल स्कूल हमेशा लाइव एक्सपीरियंस के बारे में बात करेगा कि आप किस तरीके से कैसे किसी चीज को अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, विच सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड डेमोग्राफी। जब भी आपके सामने डेमोग्राफी जैसा कोई वर्ड इंट्रोड्यूस होता है तो हमेशा याद रखना डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन, जहां पर जैसी पॉपुलेशन उस हिसाब से वहां का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर वैसा ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, वॉट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, इमेजिन करिए कि आप जिस स्टेज में आज हैं, आप जैसे क्लोथ्स वियर कर रहे हैं या जिस हिसाब से आप खाना कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज ऑल द गिफ्ट ऑफ मदर। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, काफी इंपॉर्टेंट अजर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एल्यूवियल सॉइल इज आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ पैडी, वीट, सीरियल एंड पल्सेस। ये चार चीजों के लिए एलुवियल सॉइल, सबसे पहले एक चीज याद रखना, कहां से डिपॉजिट की जाती है? रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट की जाती है, खादर और बंगाल में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल, और सबसे ज्यादा इंडिया में पाई जाने वाली सॉइल भी कौन सी है? एलुवियल सॉइल। तो पहला पॉइंट तो आपका अजर्शन सही दिया हुआ है। रीजन दिया है, एलुवियल सॉइल इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। क्या एलुवियल सॉइल अगर रिवर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है तो कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर उतना ज्यादा देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर देखने को मिलता है ब्लैक सॉइल में। ये बात बिल्कुल सही है कि अजर्शन सही है, पर रीजन उतना ज्यादा सही नहीं है, या यू कहो फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, अजर्शन दिया हुआ है, The availability of resources is not the only necessary condition for the development of any region. क्या availability of resources कोई ऐसा मतलब एकमात्र ऐसा condition नहीं? बिल्कुल सही बात है। आप दुबई को एक बार imagine करके देखिए, एक time पे वहां पे सिर्फ desert हुआ करता था, लेकिन आज आप देख सकते हो कि हर एक चीज वहां पे available है। ठीक है, next reason दिया हुआ है, Not only availability of resources, but also corresponding change in technology is necessary for development of any region. बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि assertion भी सही है, reason भी सही है, and reason is the correct explanation of assertion. कि technological change से आप resources को काफी अच्छे से use कर सकते हैं. Next question, question number 9. Assertion दिया हुआ है, एरिड सॉइल इज अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। एरिड सॉइल, ये यू कहो डेजर्ट वाली सॉइल,
जो काफी ज्यादा मतलब सुटेबल नहीं होती है एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती है, उसमें ना ही ह्यूमस होता है। तो ये तो बात तय है कि एग्रीकल्चर उतना ज्यादा अच्छे तरीके से एरिड सॉइल में देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या दिया हुआ है? एरिड सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर, इट रेस्ट्रिक्ट द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे एक वर्ड दे दिया इन्होंने, एरिड सॉइल जनरली सैंडी इन टेक्सचर, बिल्कुल सही बात है। सैलाइन इन नेचर, ये भी सही बात है, पर इट रेस्ट्रिक्ट द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ये बिल्कुल गलत है। वो उसको प्रमोट कर दे, मतलब अगर आप एरिड सॉइल पे वाटर डालोगे तो वो तुरंत बोर डाउन हो जाता है। तो इसके कारण वहां पे एग्रीकल्चर उतनी ज्यादा सुटेबल तरीके से नहीं हो पाती है, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो होल्ड ही नहीं कर सकता है सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजर्शन दिया हुआ है ए, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस, और रीजन दिया हुआ है लैंड कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। अजर्शन भी सही है कि हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, लैंड का देखने को मिलता है, और रीजन भी सही है कि उसके हम बहुत सारी यूजेस कर सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद गो क्रेजी। और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पे अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।